दुनिया की नंबर वन जाने माने मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी एक मुक्का से बड़े ताकत पर आदमी की हालत पतली हो जाते थे। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ ब्रूस ली की, जो 60 के दशक में मार्शल आर्ट की पुरानी परंपरा को परिवर्तन करके दुनिया में क्रांति लाया था। ब्रूस ली फिल्म में भी अपना कमाल दिखाया था। ब्रूस ली कुल मिला के 7 फिल्म किया था, पर उनकी हर मूवी आज भी पूरे दुनिया में मशहूर है। अपने जीवन काल में ब्रूस ली कुछ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे सुनने के बाद कोई भी उसे जीती जाती सुपर ह्यूमन कहला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ब्रूस ली की 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा, तो अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल बटन को क्लिक करके जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे में आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएगा। नंबर 1, ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 पंच मार सकते थे, और हर पंच की पावर बिल्कुल सेम था। उनकी अपनी आविष्कार मशहूर 1-inch पंच, जो 75 से 80 किलो वजन की अपोनेंट को 5 से 6 मीटर दूर तक फेंक सकते थे। आप लोग तो उंगली से नारियल को छेद करने का वीडियो देखे ही होंगे, पर ब्रूस ली की उंगली इतना पावरफुल था कि स्टील से बनी हुई सील करके रखा कोका कोला कैन की बीचों बीच सिर्फ एक उंगली से छेद कर सकते थे। नंबर 2, ब्रूस ली 1 सेकंड में लगातार 6 किक मार सकते थे। उनकी किक इतना शक्तिशाली था कि उनकी सिग्नेचर मूव स्किप साइड किक एक 90 किलो वजन की आदमी को हवा में फेंक दिया था, जो 20 मीटर दूरी पर जाके गिरा। उनकी साइड किक एक 45 किलो की सैंडबैग को तोड़ने का क्षमता रखते थे, जो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन है। नंबर 3, जानकारी के अनुसार ली एक टाइम पे 1500 पुशअप मार सकते थे, और एक हाथ की मदद से 400 पुशअप, 200 पुशअप दो उंगली की मदद से, और सिर्फ एक अंगूठे की मदद से 100 पुशअप दे सकते थे। नंबर 4, ब्रूस ली अपना पसंदीदा हथियार नानचाकू से 1600 पाउंड यानी कि 725 किलो का ताकत पैदा कर सकते थे। मतलब नानचाकू की एक बारी से किसी का भी 1 सेकंड में मौत हो सकते हैं। नंबर 5, ब्रूस ली करीब 150 किलो पावर का मुक्का मार सकते थे। मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली भी एक पंच में इतना ही पावर यूज कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद अली की वजन ब्रूस ली से 60 किलो ज्यादा था। ब्रूस ली की अपने वजन था 60 किलो, लेकिन सिर्फ 60 किलो वजन होकर 150 किलो का ताकत का इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ब्रूस ली की ऐसा असामान्य क्षमता के लिए उन्हें आज भी दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। अपने जीवन काल में ब्रूस ली एक भी फाइट नहीं हारा था, और सिर्फ 5 सेकंड में अपने ओपोनेंट को घायल कर सकते थे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रूस ली को सुपर ह्यूमन के खिताब दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, अलविदा।